नमस्कार, मैं हूं रौनक और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का मीडिया दरबार के एंटरटेनमेंट चैनल के खास शो खबर छोटे पर्दे से में। दोस्तों, इस कोरोना महामारी में भी टीवी शोज हमारे लिए नए नए एपिसोड्स लेकर आते हैं। इतनी नेगेटिविटी के बीच भी हमारा मनोरंजन करते हैं। इंडियन आइडल सीजन 12 के सेट पर भी कुछ ऐसा ही खुलासा किया गया जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और किसने किया खुलासा, क्या है इसके पीछे का कारण, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसलिए मेरे इस वीडियो को बिल्कुल स्किप किए बिना बने रहे लास्ट तक। सुरों की देवी लता मंगेशकर और लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। फैंस को उनका नया गाना सुनने को जल्द ही मिल सकता है। हाँ, ये बात सुनने में शायद जरूर अजीब लग रही हो, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सच है। किशोर कुमार इस दुनिया में नहीं है, पर उनकी आवाज अमर है। हम उनके गानों के द्वारा हमेशा उन्हें याद रखेंगे और उनके गाए गाने ऐसे भी हैं जो अभी तक रिलीज ही नहीं किए गए। इस बात का खुलासा हिमेश रेशमिया ने इंडियन आइडल सीजन 12 के सेट पर किया है। इंडियन आइडल के इस एपिसोड में किशोर कुमार स्पेशल होगा, जिसमें किशोर कुमार के गानों पर सभी कंटेस्टेंट परफॉर्म करने वाले हैं। इस खास शो में किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार जज के तौर पर नजर आने वाले हैं। इसी बीच शो के जज हिमेश रेशमिया ने अपने पिता के बारे में बताते हुए कहा है कि उस दौर में मेरे पिता विपिन रेशमिया ने किशोर कुमार के साथ गाना रिकॉर्ड किया था, जिसमें क्लासिकल टच था। वह गाना आज भी मेरे पास है और वो कभी रिलीज ही नहीं हुआ। हिमेश ने आगे ये भी कहा कि वो गाना मैं जरूर रिलीज करना चाहूंगा, क्योंकि वो मेरे पिताजी का कंपोजिशन है, किशोर दा और लता जी के साथ। तभी ये सुनकर शो में मौजूद नेहा कक्कड़ और किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार सुनकर हैरान रह गए। और तभी अमित कुमार कहते हैं कि ये गाना प्लीज मुझे दे दो, और उनके इस बात पर हिमेश कहते हैं मैं जरूर दूंगा आपको। और हिमेश आगे बताते हैं कि ये गाना वे डब करने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि लता जी ने तो गा दिया। किशोर दा के पॉइंट ऑफ व्यू से डैडी ने किशोर दा के लिए स्ट्रेट नोट्स बनाए। किशोर कुमार ने सुना और बोले कि अब रिकॉर्डिंग कैंसिल। डैडी ने बोला कैंसिल क्यों, तो किशोर कुमार बोले अब मैं ही गाऊंगा। मेरे डैडी ने कहा ये मेल एंड फीमेल है, तो किशोर दा ने कहा क्यों, मैं नहीं गा सकता। उस जमाने में किशोर दा की रिकॉर्डिंग कैंसिल होने का मतलब अब जाने कब डेट मिलेगी। किशोर दा ने सुना वो और बोला अब रिकॉर्डिंग कैंसिल, क्यों मैं नहीं गा सकता हूँ। और उस जमाने में किशोर दा की रिकॉर्डिंग कैंसिल होना, मैंने 3-4-5-6 महीने पता नहीं कब अब डेट मिलेगी। मेरे डैडी ने कहा प्लीज, तो उन्होंने कहा कि अब मुझे वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दीदी ने कितना बेस्ट गाया है, अब वह प्रैक्टिस मैं भी करूँगा। दादा ने कितनी बार डैडी को बुलाया, प्रैक्टिस किया, गाया और रिकॉर्ड किया, वह गाना अब मैं रिलीज करूंगा। दीदी ने इतना ग्रेट गाया है कि अब मैं वो प्रैक्टिस करूंगा। और वो दादा ने कितनी बार वो डैडी को बुलाया, वो किया, प्रैक्टिस किया, गाया, रिकॉर्ड किया, और वो गाना है और वो मैं रिलीज करूंगा। दोस्तों, इस मौके पर सभी कंटेस्टेंट ने किशोर कुमार के फेमस गाने गाकर सभी के दिलों को जीत लिया। खबर छोटे पर्दे से के आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। कल फिर आपसे मिलूंगी एक नई खबर के साथ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।